टाइम पे आ तो गया ना मैं। हाँ मुझे पता है आप लोग को इलास्टिसिटी के आगे मेथड सीखने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना है कि वो कितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है हमारा डिमांड, प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना परसेंटेज, उसमें इलास्टिसिटी फाइंड करना है हमको। तो वो कैसे करेंगे? तो देर आर थ्री मेथड्स, ठीक है। आपको तीन मेथड है जिसके थ्रू आप इलास्टिसिटी ऑफ मेजर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हो, ठीक है। वेरी फर्स्ट मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। अभी इसमें जो फॉर्मूला है वो आगे हमने ऑलरेडी कर लिया है, आगे हमने पढ़ा था, अगर तुम लोग को याद होगा तो। याद है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज चेंज इन सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने का, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक जगह पे वाई लिखा था, ठीक है, एक जगह पे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ नीचे सी लिखा था। तो जब वाई लिखा था इट वॉज इनकम इलास्टिसिटी, जब सी लिखा था इट वॉज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ ऐसा लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, तो समझने का इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी मेरे को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ। द फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे परसेंटेज में फाइंड करना है मेरा कितना परसेंटेज प्राइस चेंज हुआ, तो मैं देखूंगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्राइस 10 था, प्राइस कितना था 10, अब 15 हो गया, कितना हो गया 15। क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, कितना था 100 था, तो अब कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80। तो ये फॉर्मूला में चलो हम बिठाते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों में चेंज कितना है 20, तो हम लिखेंगे 20 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना था 100, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन प्राइस दोनों के बीच में चेंज कितना है 5, तो लिखेंगे 5 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बैठ गया, तो ऐसे हमको लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये हमारा जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे द होल अपॉन है, तो ये अगर हम लोग इसको ऊपर ले लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये प्राइस ऊपर आ जाएगा, चेंज इन प्राइस नीचे आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई हो गया। देखो आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। अभी उसको आगे डेरिवेट किया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, तो उसको आगे और लेंगे तो ये प्राइस ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे डिवाइड है तो उसके जगह पे क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है, ठीक है। अभी देखो हम लोग एक सॉल्व करते हैं, प्राइस 20 था 25 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 9 हो गया, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी इज 1, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस 20 था, न्यू प्राइस 25 है, तो चेंज इन प्राइस है 5। हम लोग ने ये फॉर्मूला में डाला, हमको आंसर मिल गया 0.4, 0.4 इज लेस देन 1, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया
इट मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, हम लोग ने किया था ना, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये क्या हो रहा है, सपोज मैं कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मैंने सपोज 5 रुपीज़ की एक कमोडिटी थी, मैंने 10 यूनिट्स परचेस किया, तो मैं कितना, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले कितना है, 50 रुपीज़। ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाता हूँ। तीन सिनेरियो ए बी सी, क्या है, तीन सिनेरियो है ए बी एंड सी। प्राइस 6 था तो मैं 10 यूनिट्स परचेस कर रहा था, तो मेरा टोटल आउटले कितना था, 60। कितना था मेरा आउटले, टोटल एक्सपेंस मेरा कितना था, 60 रुपीज़। प्राइस 5 हो गया, प्राइस कम हुआ तो मैं ज़्यादा परचेस करूँगा। ठीक है, प्राइस कम होगा तो मैं ज़्यादा परचेस करूँगा, तो मैंने 10 यूनिट्स की जगह पे कितनी यूनिट्स परचेस किए, 20 यूनिट्स परचेस किए। तो 20 × 5 कितना होता है मेरा, 100। टोटल एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, मेरा टोटल एक्सपेंस क्या है, बढ़ गया। तो जब मेरा टोटल एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस मैं पहले 60 करता था, अब 100 कर रहा हूँ, बढ़ रहा है मेरा टोटल एक्सपेंस, इट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, जिसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर क्या है, प्राइस 4 था तो मैं 30 यूनिट्स लेता था, प्राइस 4 था तो मैं कितने यूनिट्स ले रहा था, 30, मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, 120। अब प्राइस 3 हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया 4 से 3, अब मैं कितने यूनिट्स परचेस कर रहा हूँ, 40। तो मैं पहले कितना खर्चा कर रहा था, 120, अभी कितना खर्चा कर रहा हूँ, 120। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, जिसको मैं बोलता हूँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड केस में क्या हो रहा है, प्राइस मेरा 2 था और मैं डिमांड कितना कर रहा था, 50 यूनिट्स, तो मैं 100 रुपया खर्चा कर रहा हूँ। प्राइस 1 हो गया तो मैंने कितना एक्सपेंस किया, कितना यूनिट्स परचेस किया, 60 यूनिट्स, तो मेरा खर्चा टोटल कितना हुआ, 60 रुपीज़। तो मेरा खर्चा 100 से 60 कम हो गया ना, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, बोले तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। दिस मेथड वॉज डेवलप बाई प्रोफेसर मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। हम लोग ने वही किया, टोटल एक्सपेंस पहले कितना हो रहा था और प्राइस चेंज होने के बाद कितना हो रहा है। हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमको टोटल एक्सपेंस मिल जाता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। व्हेन द प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीजेस कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, एक हम लोग ने किया हमारा फॉर्मूला वाला मेथड, दूसरा हम लोग ने किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और ये तीसरा है जिसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। क्या बोल रहे हैं, सपोज ये मेरा एक डिमांड कर्व है और मुझे ये पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो ना ही मैं टोटल आउटले मेथड से कर सकता हूँ और ना ही मैं अपने क्या बोलते हैं फॉर्मूला वाले मेथड से यूज कर सकता हूँ, रेशियो मेथड से कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये थर्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी। ओके,
पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड, दिस रेशियो मेथड और टोटल आउटले मेथड वॉज अनेबल. हाँ ये हो गया ठीक है. एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. ठीक है देखो, ये मेरा डिमांड कर्व है, मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक मीट कर दूंगा. मुझे कोई भी पॉइंट का, ठीक है एक काम करता हूँ, सॉरी ये मेरा पेन आ गया. ठीक है ये मैंने डिमांड कर्व को ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक एक्सटेंड कर दिया है. मुझे एट एनी पॉइंट, ये मैंने एक पॉइंट बनाया है ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी फाइंड करना है. तो यहाँ से लेके ये जो है और यहाँ से लेके ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अपर सेगमेंट. ठीक है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है, मैं वो निकाल लूँगा तो मुझे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट मिल जाएगा, तो मुझे इलास्टिसिटी भी मिल जाएगा. लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, चलो ये तो हमारा लीनियर डिमांड कर्व है ठीक है, ये हो गया अपना एक लीनियर डिमांड कर्व, मतलब एक स्ट्रेट लाइन. तो इसको तो मैंने एक्स एक्सिस तक और वाई एक्सिस तक एक्सटेंड कर लिया, एट एनी पॉइंट जो भी पॉइंट है वहाँ से मैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन इसके अलावा अगर मेरा डिमांड कर्व नॉन लीनियर है, ये कर्व आ गया, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी पॉइंट पे मुझे इलास्टिसिटी चाहिए, सपोज़ ये पॉइंट का इलास्टिसिटी चाहिए, तो यहाँ से आई विल ड्रॉ टेंजेंट. टेंजेंट मतलब वो पॉइंट को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, डिमांड कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट को नहीं टच कर रहा है ठीक है. मैं ऐसे तो नहीं ले सकता ऐसे करके ऐसा करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक लेके गया, नहीं वी कैन नॉट डू दैट ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते. इसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है. तो टेंजेंट ड्रॉ किया, हाँ टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये जो है वो लोअर सेगमेंट हो गया और ये जो है वो अपर सेगमेंट हो गया. तो वही फिर हमारा फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो हमको मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड सिमिलर वे से ठीक है. चलो अभी रीड करते हैं थोड़ा, हाँ वापस थोड़ा. लीनियर डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, दिख रहा है वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट. अगर मिड पॉइंट है ठीक है, ये दोनों के बीच में ये मिड पॉइंट है, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल्स टू वन, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अगर ये मिड पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक कहीं पे भी है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. अगर ये मिड पॉइंट से लेके वाई एक्सिस तक कहीं पे भी है, तो इट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन वन, मतलब इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अगर वो पॉइंट ए पे है, तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. और अगर वो पॉइंट बी पे है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है एवरीवन, ओके. सो ये वही चीज वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ बट ये देख लेते हैं हम लोग. नॉन लीनियर डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे ये दिया है देखो कॉन्वेक्स है, क्या है कॉन्वेक्स है ओरिजिन से ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे,
convex to the origin. To measure the price elasticity of demand, we have to draw tangent AB. ये tangent line AB draw की हम लोग ने, ठीक है? Touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis and at A and x-axis at point B. वापस same lower segment अपन upper segment करेंगे, तो हमको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।